ओके क्लास नाइन एक्सरसाइज 4.1 के हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो हमने क्वेश्चन नंबर शायद 2 कर लिया था और 2 में मैं कुछ आपको बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 के अबाउट मैं 2 के अबाउट बता रहा था कि एबीसी की वैल्यू लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताना था, एबीसी की वैल्यू बतानी थी। अब मान लो आपको दिया हुआ है इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, और फिफ्थ में क्या दिया हुआ है आपको 2x-5y, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं लगा करके 2x+5y=0। तो कंपेयर कर दो इसे ax+by+c से, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग ax+by+c=0, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2, बी की वैल्यू क्या आ गई 5 और सी की वैल्यू क्या आ गई 0 है ही कुछ की वैल्यू, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ओके एथ वाला क्वेश्चन देखो, मैं आपको यहां मुझे बता देता हूं। एथ में दिया हुआ है क्या 5=12। अगर मैं इसे थोड़ा सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा 2x-5=0, ठीक है। इस 5 को इधर लेके गए तो ये माइनस हो गया इक्वल टू में 0, 2x-5। इसे कंपेयर करो ऑन कंपेयरिंग, ax+by+c=0, इससे कंपेयर किया तो ए की वैल्यू क्या हो गई 2, बी की वैल्यू क्या हो गई -5 और सी की वैल्यू क्या हो गई बी की वैल्यू तो y वाली वैल्यू है ना तो 6 ही नहीं तो वो 0 और सी की वैल्यू क्या हो गई -5। ए बी सी की वैल्यू आ गई यहां से, इसी तरह आप अदर्स वैल्यू को फाइंड करोगे। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट दिया है आपको 3x+9=0, एक बात बताओ क्या यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं? नहीं है, तो मुझे अगर इसमें 2 वेरिएबल बनाना है तो मुझे यहाँ पर जो सेकंड वेरिएबल है वाई उसकी वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 0y, सो ऑन एडिंग 0y इन लाइक क्या हो गया 3x+0y+9=0+0y। अब ये ध्यान रखना आप कहीं सर इधर क्यों लिखा तो इधर ऐड किया है तो इधर भी लिखना पड़ेगा। अब ये क्या बन जाएगा 3x+0y+9=0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी से करोगे तो 0 और 0 का 0 में ऐड करोगे तो 0, इसलिए यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन इधर की वैल्यू। जैसे आपको दिया हुआ है सेकंड वाला 4y=13 ये दिया हुआ है, यस। तो इसको इधर लेके आओ पहले तो 4y+-13=0। अब यहाँ पर ऐड क्या करना पड़ेगा 0 है सेकंड वेरिएबल, ऑन एडिंग 0 है। अगर हम 0x ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0x+4y-13=0। ओके
लाइन वाले को चेक कर लोगे दोनों, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। फोर में क्या दिया हुआ है आपको, टोटल कॉस्ट ऑफ ए मोबाइल कंप्यूटर, मोबाइल एंड कंप्यूटर का टोटल कॉस्ट लिखना है, गिवन टोटल कॉस्ट ऑफ मोबाइल एंड कंप्यूटर ये कितना है 24,000। ओके, एंड राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। लाइट द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, थैंक्स, लाइट द कॉस्ट ऑफ मोबाइल, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, दोनों का सम x प्लस y और ये इक्वल है किसके 24,400। तो ये इसकी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। इसी तरह से करना है हमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, राइट ए लीनियर इक्वेशन सच दैट each point on its graph has ordinate 3 times its abscissa। जो ऑर्डिनेट है वो एब्सिसा का क्या है, 3 times है, ठीक है। अब ऑर्डिनेट और एब्सिसा, ऑर्डिनेट तो y पॉइंट होता है और एब्सिसा क्या होता है, x पॉइंट होता है। तो मैंने एब्सिसा को क्या मान लिया, x, लेट एब्सिसा एब्सिसा इज x एंड ऑर्डिनेट इज y, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, एब्सिसा था 3 times था ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इज 3 times एब्सिसा, ठीक है। मीन्स y इक्वल टू 3x, ये एक इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज 2:1। तो दोनों के एटम अलग अलग मान लू मैं, लेट अच्छा अगर यूनिट ग्रीन है, ग्रीन क्या है, हाइड्रोजन रेशो यूनिट इसका ऑक्सीजन का, ठीक है। और हाइड्रोजन लेट हाइड्रोजन इज एक्स, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा इनका, ठीक है। तो इन दोनों का जो वाटर है उसके लिए पूछा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ द ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑक्सीजन और वाटर का, ऑक्सीजन और वाटर का रेशो, मतलब उसने क्या पूछा है, इक्वेशन पूछा है, ठीक है। तो देखो यहां से कितना हुआ, ऑक्सीजन क्या हो गया वाई और वाटर क्या हो गया एक्स प्लस वाई, क्या हो गया एक्स प्लस वाई, लेकिन ये कितने एटम है इसके, 2 atoms है, तो ये 2x+y। रेशो में दिया हुआ है क्या,
ये तो बॉर्डर का था और इसमें दोनों का रिलेशन था, ठीक है। और वाटर में तो वाटर का तो ये रहा और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, इसके बाद में ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या 22 और इसका 2 है, तो इन दोनों का क्या हो गया रेशियो हो गया और टोटल से कोई नहीं है इसका, ठीक है। तो इनका सेटअप हो गया टोटल का बहुत ज्यादा ओके। और फिफ्थ लेवल सेवन लेवल का आपको वन पेन कॉस्ट, वन पेन का कॉस्ट क्या है 10 रुपीज, कॉस्ट ऑफ वन पेन कितने हमें 10 रुपीज, ठीक है। एंड देन हमें क्या गिवन है यहां पर कॉस्ट ऑफ पेंसिल, और कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या गिवन है हमें कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 7 रुपीज। नाउ लेट्स सी इफ मोहित परचेज सम पेन सम पेंसिल, तो नंबर ऑफ पेन नंबर ऑफ पेंसिल्स नहीं पता हमें, लेट नंबर ऑफ पेन एंड नंबर ऑफ पेंसिल, नंबर ऑफ पेन आर एक्स मान लो and number of pencils by, and in total pay, total कितना pay करता है 85 rupees, total pay 10 रुपीज के एक्स पेन परचेज किए और 7 रुपीज के बाई पेंसिल परचेज की, इनका समय तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेन पता होना चाहिए पहले हमें, टोटल कॉस्ट ऑफ पेन, टोटल कॉस्ट ऑफ पेन ये कितना हो गया 10x, और टोटल कॉस्ट ऑफ पेन की सामान बाई, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस 7y और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 85, ओके दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए मोबाइल फोन इज इक्वल टू 5 times द कॉस्ट ऑफ ए कंप्यूटर, लेट कॉस्ट ऑफ मोबाइल इज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस ऑफ कॉस्ट मोबाइल, मोबाइल का जो ट्वाइस कॉस्ट है ये बन गए, ये बन गए पन्ना होगा 5 times ऑफ कंप्यूटर, ये
ठीक है, तो यहाँ से x ये ट्वाइस इज 2x और 5 टाइम्स ऑफ कंप्यूटर राइट लीनियर इक्वेशन, तो ये लीनियर इक्वेशन है इसकी, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन देखो इसका, नाइन्थ क्वेश्चन इज द रेशो बिटवीन द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन ए फैक्ट्री इज 2:3। तो मेल फीमेल एम्प्लॉय का रेशो कितना दिया हुआ है, 2:3। रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल, अच्छा 2 and 5 ये दिया ना। सेट अप एन लीनियर इक्वेशन बिटवीन द मेल एंड एम्प्लॉय ऑफ द फैक्ट्री। अब एक बात समझो, ये दोनों एक ही सेम क्वांटिटी के मल्टीपल होंगे ना, एक्स एक्स के तो मल्टीपल होंगे, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ठीक है। अगर इस तरह नहीं करना चाहते आप, इन दोनों को अलग अलग फैक्टर मानोगे, ये एक्स होगा ये वाई होगा, लेकिन आपको पता है रेशो में तो अलग अलग तो नहीं सकते, ठीक है। तो एक ही फैक्टर क्या होंगे, तो मेल फीमेल कितने हो गए, मेल एंड फीमेल, मेल आर 2x एंड फीमेल आर 5x, ठीक है। अब उसने रिलेशन पूछा है किन दोनों के बीच में, रिलेशन बिटवीन द मेल्स एंड एम्प्लॉय ऑफ द फैक्ट्री। तो मेल्स रिलेशन बिटवीन मेल्स एंड एम्प्लॉय, यहां से समझो, अगर ये मेल हमारे 2x के और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कितने थे कुछ दिया नहीं है आगे इंफॉर्मेशन इसमें, तो रेशो के टर्म में लिख लेते हैं, टोटल कितना हो गया 7, 5x तो फीमेल थे और 2x मेल थे, तो ये कितना हो गया 7, और दैट इज इक्वल टू, अब मुझे टोटल टोटल नहीं पता इन सबका, मीन्स इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, जो तो ये इसका रिलेशन है नॉर्मल रिलेशन एक्चुअली में, या फिर आप ऐसे भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 2x प्लस 5x दैट इज 7। अगर मैं इन्हें अलग अलग मानू तो अलग नहीं मान सकते क्योंकि रेशो में जैसे मान लिया अलग अलग, ठीक है। सो दिस इज द 4.1 एक्सरसाइज, ओके, थैंक यू।